यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। मजेदार क्वेश्चन है। गैलीलियो वाज पनिश्ड बाय द चर्च फॉर टीचिंग दैट द सन इज स्टेशनरी एंड द अर्थ मूव्स अराउंड इट। बिल्कुल सही बात है ना। हाँ, हिज अपोनेंट्स हेल्ड द व्यू दैट द अर्थ इज स्टेशनरी एंड द सन मूव्स अराउंड इट, है ना। पहले पुराना था ना कि हम अर्थ है भाई, अर्थ इज द सेंटर है, पूरी दुनिया हमारे अराउंड घूम रही है ना। गैलीलियो और एक और कौन था, कॉपरनिकस आई गेस, है ना। हाँ, उन्होंने क्या बोला था, नहीं अर्थ इज द सेंटर और सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड घूम रहे हैं, है ना, है ना। इफ द एब्सोल्यूट, पर अभी अभी हमने काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा, हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा भाई, इफ द एब्सोल्यूट मोशन हैज नो मीनिंग, है ना, आर द टू व्यू पॉइंट्स नॉट इक्वली करेक्ट और इक्वली रॉन्ग। हम ये क्यों बोलते हैं कि यार गैलीलियो सही था, पुराने जमाने के लोग गलत थे, पुराने जमाने के लोग गलत थे, गैलीलियो सही था, हम ये क्यों बोलते हैं। पुराने जमाने के लोग यही तो कहते थे कि सारे प्लेनेट भाई हमें तो यही दिखता है ना, सूरज आता है ऐसे ऐसे जाता है, सर्किल में चक्कर लगा के जाता है, तो पुराने जमाने के लोग यही तो कहते थे। गैलीलियो ने आके बोला भाई कि, कॉपरनिकस ने आके बोला कि भाई अर्थ चक्कर लगा रही है। पर देखा जाए अगर मोशन, एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज नहीं होती, तो अगर अगर मान लो मैं किसी के आगे सर्कुलर मोशन लगा रहा हूं, तो मेरी फ्रेम में वो मेरे आगे सर्कुलर मोशन लगा रहा है, तो अगर सन की फ्रेम में मैं उसके अराउंड सर्कुलर मोशन लगा रहा हूं, तो मेरी फ्रेम में सन मेरे अराउंड सर्कुलर मोशन लगा रहा हूं, क्या ये वाली चीज सही नहीं है, क्या ये वाली चीज सही नहीं है। फिर इसका मतलब क्या है, फिर इसका मतलब क्या है, फिर क्यों गैलीलियो को हम लोग सही बोलते हैं। पहले बताओ क्या ये बोलना गलत है या सही, कि सन सन अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या ये बोलना सही है या गलत है। हाँ भाई बताओ, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। जितना सही ये बोलना है कि अर्थ सन के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रही है, उतना ही सही ये बोलना भी है कि सन अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान के अब वो इलिप्टिकल वाला हटा देना ना, लेट्स से इट इज सर्कुलर मोशन, लेट्स से इट इज सर्कुलर मोशन। फिर गैलीलियो ने क्या नया बता दिया, देखो सही तो दोनों बातें। गैलीलियो ने जो कहा, पहले ये मानते थे, पहले ये मानते थे कि अर्थ की फ्रेम से देखेंगे तो सन भी चक्कर लगा रहा है, सैटर्न भी चक्कर लगा रहा है, जो भी प्लेनेट है मुझे नहीं पता, पोजीशन मुझे नहीं पता, जितने प्लेनेट हैं सब अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन लगा रहे हैं, ये मानते थे पहले। ये गलत है। देखो अर्थ के रिस्पेक्ट में सन उसके चारों ओर घूम रहा है, पर बाकी सारे प्लेनेट नहीं घूम रहे, बाकी सारे प्लेनेट नहीं घूम रहे। उन्होंने ये बताया कि सबसे सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर तुम सन की फ्रेम से देखोगे तो फिर जो भी तुम्हारे प्लेनेट है, कौन सा होता है, वीनस, अरे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड वॉट एवर, सब इसके अराउंड सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। अगर मैं सन की फ्रेम में देखूंगा तो सारे प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हुए दिखेंगे। तो ये सिंपलेस्ट तरीका है सोलर सिस्टम को देखने का। पुराने लोग मानते थे कि अर्थ सेंटर है और सारे प्लैनेट उसके अराउंड सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, वो सही नहीं है। बाकी प्लैनेट का मोशन हमारे अराउंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दे आर नॉट मूविंग इन सर्कुलर मोशन अराउंड अस, वो सन के अराउंड सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। तो समझ में आई, गैलीलियो ने ये बात कही थी, कॉपरनिकस ने ये बात कही थी। अगर मैं सिर्फ सन और अर्थ, मान लो दो ही लोग हैं इस दुनिया में, सिर्फ सन और अर्थ है, बाकी प्लैनेट्स हटा दें, तो दोनों की बात बिल्कुल सही हो जाएगी, तो दोनों की बात सही हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के सेंटर मास्कोट। समझ में आ गई ये बात, आई थिंक पॉइंट समझ गए। सो दिस इज द इजिएस्ट वे टू सी इट।